मैं मोहम्मद हफीज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडा वे। आज बस मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ आज मैंने अपनी वीडियो बनानी है, आज मास साहब की नहीं बनानी और इन लड़कों की नहीं बनानी, मैंने आज अपनी वीडियो बनानी है। आज मास साहब भी बहुत लेट आए हैं आज, और अभी वो काम पे लगे हुए हैं क्योंकि वो उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो अभी यानी कि व्लॉगिंग करेंगे या टाइम देंगे मुझे, तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं अपनी अकेले ही वीडियो बनाऊं, तो और काम कैसे चल रहा है और ईद की तैयारियां हो रही हैं। और व्यूअर्स पता है क्या है, अभी जो है ना मैं काम में इतना बिज़ी हूँ, इतना बिज़ी हूँ कि बस यह है कि मैं हल्की फुल्की जो है ना अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ना टाइम ही टाइम होगा, तो वो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद जो है व्लॉगिंग करेंगे, और इंशाल्लाह बकरीद के बाद जो है फिर पंजाब जाएंगे, वहाँ की व्लॉगिंग करनी है और भी जगह, काफ़ी जगहों की व्लॉगिंग करनी है। इंशाल्लाह नई नई जगह चीज़ें जो है ना आपको देखने की मिलेंगी, और इंशाल्लाह अभी जो है ना अभी काम में इतने बिजी हैं और जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना ये टाइम मिल रहा है, और इस टाइम में जो है ना इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, ये बहुत कीमती टाइम होता है। तो फिर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए जो है ना बनाता हूँ डेली का। और भी बस अच्छा ये बताएं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? और माशाल्लाह से रोज़े रखने चाहिए, और एक साल में सिर्फ एक महीना आते हैं रोज़े के, साल में सिर्फ 11 महीने होते हैं कि हम मज़े करते हैं, खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, और साल में सिर्फ 30 दिन या 29 दिन होते हैं। तो हम लोग जो है ना रोज़े रखते हैं कि ये चीज़ जो है ना करनी चाहिए, कि रोज़े रखने चाहिए, कि पूरे रोज़े रखने चाहिए, कि हम लोग जो है ना ये किस चीज़ को देखते नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि आम दिन की तरह अगर रमज़ान को लें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि रमज़ान में जो है ना रिवर्स। और दूसरी बात यह है कि रोज़े रखने से काफ़ी बीमारियां जिस्म की दूर हो जाती हैं। ये कभी सोच नहीं रखिएगा कि अगर मैं रोज़े रखूँगा पूठा ये भूखा पेट अगर मैं रहूँगा तो काफ़ी जो है ना मैं यानी कि मेरे में कोई बीमारियां या ऐसी कुछ हो जाएगी या पानी की कमी, ऐसा कुछ नहीं होता, कि सिर्फ सेहत देने वाली अल्लाह की ज़ात है कि वो अगर वो भूखा बिठाए या प्यासा बिठाए, कुछ भी बिठाए, तो वो ये अल्लाह की ज़ात है। इंसान को जो है ना वो अगर भूखा दे बिठाता है या वो खिलाता है, वो उसकी अल्लाह की ज़ात है, मगर वो बीमारी अगर आती है तो अल्लाह से पूछ के आती है। कोई भी चीज़ इंसान कुछ चीज़ तकलीफ़ होती है ना, कि कोई तकलीफ़ आती है तो अल्लाह से पूछ के आती है कि या अल्लाह मैं तेरे बंदे को तकलीफ़ दूँ या नहीं दूँ। कि जो इंसान अल्लाह को भूल जाता है, याद नहीं रखता, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जो है ना फिर भी याद रखता है कि ये मेरा बंदा है। अल्लाह ताला ने वादा निभाया है कि मैं इस बंदे को नहीं भूलूँगा, कि ये मेरा बंदा। अल्लाह ताला हम उम्मीद तौबा नाउज़ बिल्ला, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जाते नहीं हैं, मस्जिद तक भी नहीं जाते, नमाज़ें नहीं पढ़ते, यहाँ से उम्मीदें भी छोड़ जाते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं, मगर अल्लाह ताला सिर्फ ये होता है कि मेरा बंदा इंशाल्लाह मेरा बंदा मेरे दरवाज़े पे ज़रूर आएगा, मैं और माफ़ करूँगा। अल्लाह ताला सिर्फ क्या फरमाता है कि मेरा बंदा ज़रूर आएगा और मैं उसको माफ़ करूँगा, फिर भी बंदे के हाल पे छोड़ता है कि बंदे का दिल देखता हूँ। अल्लाह ताला चाहे तो 2 मिनट में बंदे को अपने दरवाज़े पे बुला ले, उसका दिमाग मोड़ दे, मगर क्या है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे का दिल देखूँगा कि मेरा बंदा मेरी तरफ आता है या शैतान की तरफ जाता है। कि ये शैतान के कहने पर लग के इंसान जो है ना काफ़ी, जैसे नमाज़ पढ़ता है तो कहता है कि मैं अगर कोई ऐसे काम करूँगा, मैं मेहनत करूंगा तो उसमें ज़्यादा, ये सिर्फ शैतान बहकावा देता है। शैतान अल्लाह की तरफ से जो है ना रुख मोड़ता है कि तू इस तरफ जाएगा तो तेरा टाइम ज़ाया होगा, अगर इस तरफ तू, अगर एक मिसाल है कि अगर तू वो नमाज़ पढ़ेगा तेरा टाइम ज़ाया होगा, दीन की तरफ जाएगा तेरा टाइम ज़ाया होगा, तू मेहनत कर। इंसान को पैसे की तरफ लेके जाता है, लालच की तरफ लेके जाता है, लालच की तरफ लेके जाता है, कि इंसान फिर अल्लाह ताला जो है ना उस पर जो फिर रहमत नहीं करता, वो फिर रहमत की वो नहीं होती, रोज़ी नहीं होती। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ करते हैं वीडियो का एंड।
अभी मैंने काम समझाना है इनको और मास्टर साहब आया, मैं उनको कटिंग देनी है मैंने, और उसके बाद यहाँ वीडियो का करते हैं एंड। और कल मेरे चैनल अच्छे कोई बात अच्छी लगी हो, मेरी और बातें अच्छी नहीं लगी, अगर इस्लामी अगर बातें कोई अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे, और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए फिर इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आएंगे, और यहाँ भी करते हैं वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़।